ये सब टिकटी नेता है, इनका टिकट के लिए हमारे जमीर बेच के आते हैं। पहले इलेक्शन ही हो रहा, सिलेक्शन हो रहा है, दिल्ली से दो आदमी चुन के भेजे जाते हैं, इसको वोट डाल दो या इसको वोट डाल दो। इलेक्शन थोड़ी है, हमारी विडंबना है। इसलिए इन बातों पे ना जाए बढ़िया रहेगा। 26 की परेड का कार्यक्रम सफलतापूर्वक बनाए, और जो टिकरी वाले हैं, सिंगू वाले साथी हैं, गाजीपुर वाले हैं, अलवर वाले हैं, सभी साथी, कोई रिंग रोड पे नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार ने उस दिन इवैक्यूएशन के लिए कहा कि कैजुअलिटी होगी, एम्बुलेंस लगानी हमने, हॉस्पिटल चाहिए। देखो संभावनाएं हैं, जब लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है, तो उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, चाहे मरे मन से ही सही, लेकिन करना तो पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने रिंग रोड रखा है कि हम रिंग रोड पे हमारी हरेक 10 किलोमीटर के बाद एम्बुलेंस खड़ी होगी, हमारा स्टाफ होगा, और साथ ही साथ अगर कहीं कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जैसे एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आज से 5 दिन पहले हमारे पास एक लेटर आया था, लेटर RSS का था, उन्होंने हिदायत दी थी अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि 26 जनवरी को आप अपने जिले के हेडक्वार्टर में दिल्ली में पहुंचिए, अगर कोई किसान गड़बड़ करेगा तो हम उनको ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन वो गड़बड़ हम नहीं करेंगे। वो एक लैंग्वेज लिखी थी वो गड़बड़ करने के लिए दिल्ली के कार्य दफ्तरों में बुला रहे हैं। तो अगर कोई घटना होती है, मैस घटना भी हो सकती है, उसके लिए पुलिस फोर्स भी चाहिए अधिक, तो इसलिए रिंग रोड आपको दिया गया, लेकिन सभी बॉर्डरों से ट्रैक्टर अंदर जाएंगे, जाके जाके कोई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दिल्ली के अंदर जाएगा, कोई 30 किलोमीटर दिल्ली के अंदर जाएगा, कोई 5 किलोमीटर जाएगा, हम यहाँ से 32-33 किलोमीटर जाएंगे अपने KMP के आगे निकल के, जो NSG की बिल्डिंग है, NSG की बिल्डिंग से यू टर्न मार के वापस अपने घर पे आएंगे। हाँ, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, हमारी कॉल दिल्ली चलो की है। मैंने कल IG को वहां भी कहा था मीटिंग में कि हम जब नाका तोड़ेंगे, ऐलान करके तोड़ेंगे, हम में दम हो हम बढ़ जाएंगे, आप में दम हो आप रोक लेना, और आज भी कह के आए हैं, आज भी कह के आए हैं मीटिंग में, वो जो कल वाली बात थी वो कायम है, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। कमिटमेंट ये की है कि पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने ये निर्देश दिया है कि हमें पीसफुल परेड करके अपने अपने घरों में वापस आना है, क्योंकि अब तो हमारे घर ही बन चुके हैं, 2 महीने यहाँ रहते हुए अपने अपने घरों में वापस आना है, और जिस दिन आगे बढ़ना होगा उस दिन SP साहब ऐलान करांगे, अगे बढ़ाएंगे, देखियो क्यों जो बोले किसान एकता, क्योंकि 26 जनवरी की जी अपनी परेड है उस कुछ गल् रह गई, पर राजू जी तो मनिंदर जी बोल रहे थे उस टाइम एक होर कमेटी के एक लीडर का मेरे को फोन आया और वो थोड़े तक मैसेज पहुँचा बड़ा जरूरी सी। मेरे वीरों थोनू दोहां लीडर ने एक गल दसती भी 26 जनवरी की परेड की कॉल साढ़े लीडर ने दिती सी कि असी दिल्ली जावांगे, परेड करांगे, परेड करना साडा हक है, लेकिन तुहाडे दिमाग दे विच इह गल आउंदी होगी भी जो असी मंगी रिंग रोड सी ते असी इह फैसला क्यों कर लिया कि एक तां रूट अड अड होणगे, सिंगू का रूट अड होगा, टिकरी का अड होगा, पलवल का अड होगा, गाजीपुर का अलग होगा, और धारूहेड़ा शाहजहांपुर का रूट अलग होगा। यह फैसला क्यों कर लिया? फिर थोड़े दिमाग च यह गल आनी होगी भी यह फैसला भी क्यों कर लिया कि असी 2-4 किलोमीटर दिल्ली के अंदर होके वापस बाहर निकल जाए सारे बॉर्डर का। फिर थोड़े दिमाग च यह गल भी आनी होगी भी साढ़े बॉर्डर से जो सानू आ रोड देती असी KMP तो अगे जाके NSG की बिल्डिंग तो पुठे वापस आने का फैसला क्यों कर लिया? तां तिन्ने फैसले, हालांकि पहला रोकिया गया सी कि किसी CID को साडी रणनीति नहीं जानी चाहिए, पर हुण उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दसता ते सानू भी आदेश किया कि तुसी आपदे बैठे हर सज्जण नूं हर किसान नूं ये दसो। वो गल ये है
कि टिकैत साहब ने 26 जनवरी की कॉल दिती सी। पहला यह कॉल संयुक्त मोर्चा की नहीं सी, संयुक्त मोर्चा ने इस कॉल नूं फॉलो किया और लोगों ने घरे बैठिया ने उस कॉल नूं मन लिया कि असीं 26 जनवरी नूं जावांगे। ते वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर लखां दी गिणती दे विच घरां चों निकल के आ रहा। हुण गल इन्नी है कि एक टीचर जे कोई बच्चा सवाल याद करके नहीं आया तो पहला तो वेखदा है भी टीचर प्रेयर च आया कि नहीं आया, फिर वेखदा जे आ गया तो मैथों अज क्लास च आके शायद टीचर सवाल ना ही पुछे तो चंगी गल है, तो फिर जे वह टीचर सवाल पुछ लवे तो बच्चा याद करके ना आया हो टीचर वह डंडा जिहड़ा है वह बच्चे वाली वगा के ते मेज ते मारदा टका के ते बच्चे नूं इह शक पाउंदा है भी इह डंडा कुदरती टल गया जे मेज ते ना वजदा तां इह मेरे वजणा सी, हालांकि वह टीचर मारना चाहुंदा नहीं हुंदा। इसे करके साडा वड्डा डर जिहड़ा सरकार नूं है वह यह है कि इन्हां ने दिल्ली च वड़ जाणा है, इन्हां ने संसद घेर लेनी है, इन्हां ने मंत्रियां दे निवास घेर लेने है, इन्हां ने निकलना नहीं। यह डर साडा वड्डा है, यह डंडे का डर है। साडे लीडर बड़े सियाने समझदा मैं जिन्हां ने यह डर बनाई रखिया, क्यों? क्योंकि गलबात नेड़े लगन दे आसार होए खड़े है। दो साल तक सरकार आ गई, अगों सरकार ने सानू यह कहा कि जे ये कबूल हो दस दौ जो वरना मीटिंग करने की लोड़ नहीं, तो साडे लीडर ने उस टाइम अपना दिमाग लड़ाया कि दबाव बनाया रखा जाना चाहिए, तो लीडर ने एक रिंग रोड को मोड़ के मोर्चे चार करते पंज करते कि असी अड्डी मोर्चा तो वापस मुड़ जावे। दूजे नंबर से साडे लीडर ने यह डर बनाई रखा कि हजे असी संसद बनी लाल किले बनी दिल्ली के अंदर नहीं जाते, पर यह दसण वास्ते कि असी जा सकते हैं, इस करके दिल्ली इंटर होके मुड़ांगे, अंदर जाके मुड़ांगे, ताकि थोनू दस दिए भी बैरीकेड थोड़े तोड़ के भी जा सकते हैं, थोनू बैरीकेड हाथों चुका के भी जा सकते हैं। तो जे किसी के मन च वहम हो भी रिंग रोड छड़ के साडे लीडर ने दिल्ली इंटर होके बाहर आने का क्यों फैसला कर लिया, तो वह फैसले दे विच एक बहुत वड्डी रणनीति है। अगली गल जिहड़ा साडा फैसला सी वह कल नहीं सी होया, क्यों नहीं होया? मैनूं इस गल का दुख भी होया जदों साडे फैसले बारे हरियाणे के आई जी ने साडे दोवां लीडरां नूं इह गल आखी, मनिंदर सिंह मान ते भाई राजू उत्थे सी, जदों साडा फैसला होण लग्या मीटिंग चल रही सी ते हरियाणे के आई जी ने यह गल आखी कि थोनूं असीं उह रोड नहीं दे सकते जिहड़ी रोड तुसीं मंगदे हो, क्यों? कि थोड़े मोर्चे दे विच कोई एक लीडर नहीं, थोड़ा मोर्चा अव्यवस्थित है। इस गल की सानू उत्थे शर्म चलनी पई, असी उत्थों उठ के आ गए साडे लीडर, लेकिन उस गल ते अड़े रहे, सानू कल दे कोई गल ते कह रहे सी मगरलापुर चढ़ जाओ, मगरलापुर चढ़ के ते टिकरी जाके रल जाओ, थोनू असी रस्ता नहीं दिंदे, पर यह लीडर अपने अड़े रहे। अपनी जिहड़ी कमेटी सी जिहदे विच सारे साडे सूझवान बंदे आ, भाई रेशम होनी, राजे होनी, सारे भादू जी होनी, इन्हां ने अज पहला सरकार दा मीटिंग करन तों पहला एक मीटिंग कीती कि वेखो अपना मसला यह है कि दिल्ली दे विच तां ओह वी 2-4 किलोमीटर अंदर जाके दूजे मोर्चे मुड़ रहे हैं, पर उन्हां दे रूट अड्डा है। असीं इह कबूल नहीं कर सकते कि सानू किसे दे पिछे ला के किसी की पूछ बना के दिल्ली घल्या जाए, जावे तो इतों जावे। यह इन्होंने फैसला किया कमेटी मीटिंग तो पहला, और जो ये जाके साडे लीडर अड़े तो वह इस गल से मन गए कि बिल्कुल थोनू जा आ रस्ता देवे जा आ रस्ता देवे, क्यों राजू जी यही गल हो, थोनू यही रस्ता देवे, पर तुसी अगे जिहड़ा टोल नाका आउंदा उत्थे जिहड़ी NSG दी बिल्डिंग है, जिहड़ी नैशनल कमांडो इन्हां दी कोई सिक्योरिटी दी बिल्डिंग है, उत्थों तुहानूं वापस आउणा पऊगा। जिहड़े साडे मगरले वीर है उहनां दा हजे फैसला नहीं होया, उहनां दा फैसला हजे रहिंदा है, उहनां ने साडे नाल जाणा है जां अलग जाणा है, और वह फैसला करने वास्ते आजाद है, साढ़े नालों आजाद बैठे है, साढ़े कोले आए सी मीटिंग करके गए हैं, असी यही गल आखी है साढ़े नाल आ जाओ, नाल लग के जाए जो वो आपां नूं शाम तक दसणगे।
मेरे वीरों दो फैसले हर जगह हुए हैं, एक कि ट्रैक्टर लेके जाने और वापस आना, दूजा फैसला जिथों तक रूट दिता है उतों तक पुलिस अगे लग के जाऊगी और उत्थे सी हुलड़बाजी ना करके वापस आना है। जेड़ा सानू कल ये गल कही गई उत्थे उन्होंने गुरनाम सिंह जी चढ़ूणी खास करके सियाने लीडर है उन्होंने ये गल कही, मान साहब नूं भी कही ते राजू नूं भी कही कि या तो कमिटमेंट करो ना, कमिटमेंट का मतलब वायदा ना करो, वायदा ना करोगे आजाद है तुसी कुछ भी करो, लेकिन अगर वायदा करोगे वायदा ना तोड़ो, क्योंकि जे तुसी वायदा तोड़ोगे तो फर्क साढ़े ते आके पऊगा। ये उत्थे कह के आए या तो असी वायदा नहीं करते, जे वायदा करांगे तो वायदा निभावांगे। अज जो मीटिंग चल रही थी मैं उस मीटिंग च नहीं गया, मेरी अज सेहत ठीक नहीं सी, बाद दे विच मैनू बुलाया, सारे सज्जन बैठे सी, मैं उन्होंने पूछया भी की तुसी कमिटमेंट कीती है, कोई वायदा कीता है? मान साहब ने कहा बिल्कुल असी वादा करके आए हैं। मैं कहा मान साहब जे तुसी वादा करके आए हो तो असी थोड़े वादे ते फुल चढ़ावांगे। जिवें राजू ने कहा है कि सानू अगे वधना चाहिए, मैं भी मानता है कि सानू इत्थों अगे वधना चाहिए, मैनू लगता तुसी भी ये गल मानते होंगे, हाथ खड़े करके दसो सानू इत्थों अगे वधना चाहिए कि नहीं? जिंदाबाद। सारे सज्जणा ने कहा सानू वधना चाहिए, लेकिन असी वायदा तोड़ के असी बद सलूकी करके नहीं वधदे, साडा हक बनता है भी असी जूझ के अगे जावांगे। पहला काम सानू यह करना चाहिए, मैं बेनती करूंगा इतों की कमेटी में, मैं उस मैंबर नहीं गा, जी के असमानी राजू जी तो विनोद जी मैंबर है, सारी कमेटी के सदस्य बैठे है, मैं बेनती करूंगा सब तो पहला 26 तरीक के प्रोग्राम तो बाद जिहड़ी सड़क कदे 5 घंटे खुलती है कदे 7 घंटे खुलती है साडी संख्या हो जाती है तो सानू नाल दी सड़क बंद करके पहला बिल्कुल ये मोर्चा कायम करना चाहिए। जिहड़ी सड़क साडे कोल दी चलती है सानू आपदियां ट्रालियां पट के व्यवस्थित करके रेशम जी पहला सानू इत्थे मोर्चा उसे तरह लाउणा चाहिए जिवें असीं शाहजहांपुर बैठे सी, दोनों रोड़ां बंद कर देणियां चाहीदियां। उस तो बाद एक दिन तय करो, चाहे सानू आपदी ताकत लाउणी पवे ते चाहे सानू ताकत आपदे साथियों तो लैणी पवे, जिथों तक असीं जाणा है वह भी कमेटी च तय करो भी साडा टीचा की है, असी जाके रुकना कित्थे है, वह टीचा तय करके रह करके और फिर दस के माइक तो चैलेंज करके अगे वधो। पर मेरी बेनती है 26 तरीक के प्रोग्राम तो बाद, क्योंकि 26 तरीक तक अगर असी कुछ भी करते हैं और वो तो नतीजे कुछ गलत निकलते हैं साढ़े ते कलंक लगता है तो वह फर्क साढ़े मोर्चे पर पैंदा, साढ़े लीडर पर पैंदा। 26 तो बाद सानू बिल्कुल रह करके अगे वधना चाहिए, 26 के प्रोग्राम वास्ते किवें जाना है किवें नहीं जाना इस तो बाद भी कमेटी मीटिंग करूगी। एक लाइन के ट्रैक्टर ला के झंडे ला के वलंटीयर ला के जिहड़े मुंडे नौजवान है वो जिम्मेवारियां सांभणगे, वलंटीयर ला के असी जिथों तक जाना है आराम नाल जाना है आराम नाल आउणा है, एक दूजे दे विच ट्रैक्टर भी असी नहीं फसाउणे, बिल्कुल सियाणे होके जाना है ते सियाणे होके आउणा है। आ प्रोग्राम सी किसी के मन च शंका आ सकती सी भी साडे लीडर रिंग रोड ते क्यों नहीं गए, साडू आ रोड दे के अगों क्यों मुड़िया जा रहा है, इन्हां शंकावां नूं दूर करन वास्ते जो मैसेज फोन ते साडे कोले आया सी हुणी आया सी वो थोनू मैसेज दिता है ताकि वह कहते हर जनता के साडे साथी कोले मैसेज जाना चाहिए। ये डर हजे मौजूद रखे है कि असी कदों भी अज तां 3 किलोमीटर अंदरों बाहरों होके मुड़ते हैं, अंदर होके दिल्ली के मुड़ते हैं, जिते साडा जी करिया असी संसद के विच टक्कर मार के भी आ सकते हैं, लाल किले टक्कर मार के भी आ सकते हैं, ये डर मौजूद रखे है। इस करके फैसले लाए गए हैं किसान एकता, किसान एकता। मैं आपदे वल्लों चाहे मैं उस कमेटी च मैंबर नहीं, मैं आपदे वल्लों जो कमिटमेंट जो वायदा मान साहब से राजू जी हुणी करके आए है उहदे ते फुल चढ़ाउणा है ते सारे चढ़ावांगे। हाँ ये वीर दा ये नौजवान की बड़ी वधिया गल है, ये कहिंदा वेखो जिहड़े अपने बंदे है इन्हां दा ना करोना दा डर है ते ना ये मास्क लाउंदे ते ना मूंह बंदे। अगर अपनी रैली च कोई बंदा
कोरोना दे बहाने मूंह बन के विच वड़दा है मास्क ला के जां मूंह बन के तां पछाणिया जा सकदा है वी इह साडा इस मोर्चे दा साथी नहीं। उसे टाइम उस बंदे दी बांह फड़ के उहनूं पासे कर देणा है, सतर्क रहणा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।